आज हम एक बहुत ही हेल्दी डोसा बनाने जा रहे हैं, ज्वार डोसा। जो ज्वार एक ये बहुत ही हेल्दी सा मिलेट है और इसका आज हम डोसा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कप ज्वार का आटा और थोड़ी सी सब्जियाँ। इसके लिए मैंने बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज, एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक। इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया। टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक लिया है मैंने 1 चम्मच के करीब और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये 1 कप ज्वार का आटा, थोड़ा सा लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक और ये जो हमने सब्जियां ली हैं, थोड़ी सी बारीक कटी अदरक, बारीक कटा प्याज, हरा मिर्चें और हरा धनिया। इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस सा डोसा है और इसको आप इंस्टेंट कभी भी बना करके खा सकते हैं आप इसको। और इसको हम सर्व करेंगे लाल टमाटर और प्याज की लाल चटनी के साथ। उसके मैं लिंक आपको वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पर, मैं उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये अब हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एकदम हम इसको हमारे को एकदम पतला बैटर बनाना है जिससे कि एकदम ये जालीदार हमारा डोसा बनेगा। अच्छे से इसको हमने ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स नहीं रहे। ये देखिए, इसको हमारे को ऐसे एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम हमारे को एकदम पतला, ये इस ढंग से एकदम पानी के जैसे एकदम पतला हमारे को, तभी हमारा जालीदार डोसा बन के तैयार होगा। तो चलिए अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और तवे को हम पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। ये अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल करके तवे को अच्छे से किचन नैपकिन से ऐसे इसको ग्रीस कर लेंगे। अब ये तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इस पर थोड़ा सा ताकि ये पानी अच्छे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर देंगे और अब हम ये इस ढंग से इसको चलाते हुए ऐसे आप इसको धीरे धीरे इसके ये जो गैप बचे हैं इनको हम फिल कर देंगे और इसके किनारों पे चारों तरफ हम अच्छे से ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से अपने आप ही किनारे इसके ये छोड़ने लगेगा, क्रिस्पी हो जाएगा। गैस की फ्लेम को हम लोग मीडियम रखेंगे और कई बार ऐसा होता है कि डोसा गैस सिर्फ बीच बीच में ही पकता है, आप उसके लिए क्योंकि बड़ा तवा है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे साइडों से हिलाते हुए ताकि ये किनारों से भी एकदम क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऐसे तवे को घुमा लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम बना रहे हैं तो मुश्किल से 3 मिनट भी नहीं लगते और हमारा ये एकदम क्रिस्पी सा डोसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अब हमारे को 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये हमारा डोसा जो है कितने अच्छे से एकदम तवा तो इसने छोड़ दिया है और अब हम इसको ऐसे इसको दूसरी ऊपर से पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी क्रिस्पी और पक गया है। इसको अब हम ऐसे निकाल करके और अब हम इसको ये देखिए एकदम क्रिस्पी सा टेस्टी सा हमारा डोसा बन करके तैयार है और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अब हमारा 3 मिनट लगे और हमारा जो ज्वार डोसा है वो बन करके तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी और एकदम बहुत ही टेस्टी सा। और इसको हमने सर्व किया है टमाटर प्याज की चटनी के साथ। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और नई टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।